ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस वीडियो को आप रात में अकेले ना देखें, कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहें और ख़ास तौर पर बच्चों को यह वीडियो नहीं दिखावें। हाँ तो दोस्तों, आज हम बहुत ही हॉन्टेड वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि लोगों का कहना है कि इस जो रास्ते हैं, ये आपको रास्ता दिख रहा हो, बहुत ही खतरनाक है, जंगल वाला रास्ता है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर भूतों का बसेरा रहता है। और पास ही आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि वहाँ पर दो तीन छतरियाँ बनी हुई है, जैसे आपको टॉर्च में दिख रहा होगा। बहुत ही अंधेरा हो चुका है, रात की 12 बजने वाली है। वहाँ पर पास में क्या है, कब्रिस्तान बना हुआ है और उसी कब्रिस्तान के पास ही एक जस्ट तालाब भी है। उसी तालाब में माना जाता है कि वहाँ पर जो भी उस तालाब के पास जाता है तो भूतों द्वारा या भूत जो होते हैं, पिशाच होते हैं, उनके द्वारा उसे पानी में खींच लिया जाता है और उसको मार कर सुबह लास्ट मिल जाती है। गाइस, तो चलिए, ऐसी बातों पर हम विश्वास तो नहीं करते लेकिन लोग मानते हैं। तो लोगों का मानना है, लगाने के लिए हम अपने सब्सक्राइब का चैलेंज जो उन्होंने दिया है हमें कमेंट में, वो पूरा करने के लिए आए। आप लोग हमें ऐसे सपोर्ट करते रहे, हम ऐसे खतरनाक और भी खतरनाक चैलेंज आपके लिए जरूर करेंगे। आप जैसे कि टाइम देख सकते हैं, अभी लगभग 12 बजने वाली है। आप देख सकते हैं लगभग बजने वाले 12, 4-5 मिनट बचे हुए। चलते हैं अब आगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। तो चलिए दोस्तों पता लगाते हैं कि यहाँ पर कोई भूत भी है या नहीं। तो देखिए बहुत अंधेरा भी हो चुका है, चारों तरफ कुछ भी। अरे भाई, भाई मुझे डर लग रहा है। भाई बचो, भाई भाग जाओ। कौन है यहाँ पर? सामने आओ भगनानी। कौन है, कौन है? अरे कौन है यहाँ पर? सामने आओ, कौन है? चारों तरफ अंधेरा। अरे कहाँ गया, मुझे दिखाई नहीं दे। आवाज बंद कैसे हो रही है? टॉर्च बंद कैसे हो रही? टॉर्च। हाँ तो दोस्तों चलिए हम आगे चलते हैं। ये बहुत ही आवाज खतरनाक आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई। चलिए दोस्तों पता लगाते हैं क्या है आगे। तो बहुत ही अंधेरा हो चुका है, झिंगुरों की आवाज भी हमें सुनाई दे रही है। वहाँ पे क्या है? और ये क्या दोस्तों, कौन है? कौन है, कौन है, कौन है दोस्तों? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये यहाँ पर ये क्या, ये पेड़ पौधे कर, टॉर्च करो, इधर करो, इधर टॉर्च कर। ये क्या लटक रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये कुछ चिट्ठी भी लटक रही है। चलिए इसको खोल के देखते हैं कि छू मत भाई, रुको रुको यार, इसमें कोई तंत्र मंत्र या भूत विद्या भी हो सकती है। रुको, इसको लकड़ी से नीचे से लकड़ी से उठाओ। अरे भाई ऐसे हाथ में लो, रुको, लकड़ी से इसको नीचे गिराओ। धीरे धीरे। तो देखा दोस्तों आपने कि इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है। चलिए अब इसको खोल कर पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। ये कपड़ा अपना लपेट के रखा है किसी ने, ये मंत्र वंत्र है कुछ। टॉर्च इधर करो भाई, टॉर्च इधर करो। क्या लिखा हुआ है आपने? हमने ये पत्र पाया है यहाँ पर, यहाँ पे कुछ उर्दू भाषा में लिख रखा है। हमने इसका गूगल ट्रांसलेट किया और इसका जो उर्दू भाषा में लिखा हुआ था उसका हिंदी अनुवाद करके हमने आपको जो है बता रहे हैं कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से चले जाओ, आगे गए इस रास्ते पर तुम्हारी मौत निश्चित है। और आगे जो तालाब बना हुआ है उसके पास एक भूत रहता है जो तुम्हें अंदर खींच कर मार डालेगा। तो मैं तो ऐसे विश्वास नहीं करता कि ये इसमें लिखा हुआ जो सच भी है। हम इसका ही पता लगा लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ था क्या ये सच है या झूठी है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। सबसे पहले इस कागज को यहीं पर इसी पत्थर के नीचे रख देते हैं कि अन्य किसी को डर न लगे और हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, बहुत ही अंधेरा, घना अंधेरा हो चुका है। वापस कौन है? टॉर्च करना, वापस टॉर्च कर भाई, टॉर्च कर भाई, भाई टॉर्च कर भाई। वो कौन है, कौन हो, कौन है भाई, कौन है? ये देखिए बहुत ही खतरनाक, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम सामने आओ, हमें डराने की कोशिश मत करो। तुम क्यों गांव वाले को डरा रहे हो, सामने आओ। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? क्यों डरा रहे हो गांव वालों को? कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गई, भाग गया, काम हो गया। अरे दोस्तों कहाँ गया, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे दोस्तों गड़बड़ है,
हमें चलना चाहिए वापस। नहीं नहीं, हम आज पता लगा के रहेंगे कि हमें चैलेंज किया गया है और इस गांव वालों का सच भी पर्दाफाश होगा कि यहाँ पर कोई भूत है या नहीं। तो चलिए बिना डरे आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर आपको पास में एक गांव की टॉर्च लाइटें भी दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है। आप पीछे भी देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। हम एक गांव के बाहर आ चुके हैं जहाँ पर जंगल का रास्ता शुरू होता है। हाँ तो दोस्तों, हमारे जो दो साथी हैं वो आगे जा रहे हैं। उसका पर्दाफाश करने की उस तालाब के पास कोई है या नहीं, तो देख सकते हैं। हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ भाई? पूछ मत यार, क्या हुआ? तो हम आगे नहीं जाए? नहीं तो हम आगे नहीं चलेंगे क्या तालाब के पास भाई? हम आगे नहीं जा सकते यार, पता नहीं यार किसने पेड़ पकड़ा था यार, जोरों से पेड़ को मारे, उसके खून में वहाँ पर खून पड़ गए, किसी के खून निकले थे किसी को, कुछ नहीं देखा मुझे। तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक हो गया है, लगता है वहाँ पर कोई ऐसी आत्मीय शक्ति है, पिशाच की शक्ति होती है। मेरा वो यहाँ से जगड़ लिया था भाई पूरा, मेरे तो भाई हुआ क्या था, वहाँ पे कुछ दिखा क्या? वहाँ पे कुछ दिखा क्या उधर? कुछ नहीं दिखा भाई, ये सचमुच हम मानते नहीं था, मैं खुद नहीं मानता था, भगाइस मैं मान नहीं सकता। अरे भाई तुम चलो ना, क्या हुआ तुम्हें भाई? बुला रहा यार, उठाओ ना, घर चलना है, चलो घर चलना है। तुम कोई बुला रहा वहाँ से? हाँ नहीं, इसको पकड़ो, मुझे मत जाने देना। कौन बुला रहा है? अरे नहीं, चलना पकड़ो, घर चलो, घर चलो, अरे इसको। तो दोस्तों इसका जो हाल, तो कल तो दोस्तों अभी तो रात की बहुत टाइम हो चुका है, बहुत ही रात हो चुकी थी इसलिए हम शूट नहीं कर पाए। अगर आप जानना चाहते हैं तो हम इसका जो सीन है दे। क्या हुआ? पीछा कर रहा आपका? नहीं कोई नहीं कर रहा, नहीं वो कौन है? मुझे भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, वहाँ पर कोई था यार। कौन दिख रहा है? हमको नहीं दिख रहा। वो क्या चीज है? हमें चलना चाहिए। वो क्या है? अरे वो हमारे पीछे आ रही है, चली जाओ। तो दोस्तों हम ये वीडियो अभी तो शूट नहीं कर पाए, लेकिन कल सुबह इसका पार्ट टू आएगा और इसका पूरा वीडियो का पर्दाफाश किया जाएगा कि उससे आगे क्या था, जिसे हम गाड़ी सुबह लेके जाएंगे वापस। इस वक्त तो मेरी हालत पूरी खराब हो चुकी है, मेरे दोस्तों की हालत खराब है पूरी, आप देख सकते हैं। मैं बता नहीं सकता आपको। टॉर्च कर कहाँ पर है? अरे टॉर्च कहाँ पर है? तो गाइस मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी हालत इतनी खराब, लकड़ी से मैंने उसको क्या खींच के मारी है। अब दो आदमी तो देख कर जाए ठीक। तो गाइस और आगे हम नहीं जा सकते, मेरा भाई बहुत जिद कर रहा है ये कपिल भाई, लेकिन मैं आगे जाने के लिए बिल्कुल मना कर रहा हूँ इसको। क्या हुआ चंदन? चंदन अरे इसको क्या हो रहा है? चंदन को क्या हुआ? चंदन क्या हुआ? लगता है दोस्तों इसका हार्ट जो था बहुत ही कच्चे दिल का था, तो इसलिए ये अब बेहोश होने लग गया। तो दोस्तों देखिए इन दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले यकीन नहीं करता था इस चीज पर, लेकिन अभी अभी आप मानोगे नहीं, मेरा पैर किसी ने पकड़ा था हकीकत में। आप सोच रहे हो कि ऐसा वैसा, नहीं ऐसा सच में पकड़ा था, कुछ नहीं दिखा था मुझे, मैंने उसको इसी डंडे से मारा था, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था और खून आए थे उसके, मैंने खुद देखा था वहाँ पर खून के धब्बे। लेकिन अब मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे अभी खुद जस्ट वहाँ पर कुछ दिखा था। पोस्ट देना एक मिनट गाइस, एक मिनट। तो देखिए दोस्तों इसको क्या दिखा था, वहाँ पर अभी भी कुछ है वहाँ पर जो हमें इशारा कर रहा है। तुम्हें जैसे वीडियो में लगता है कैसे कि वो मुझे बुलाना चाहता है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक खत्म होती है, तो अगला जो पार्ट है वो हम सुबह लाएंगे, जैसा कि हम पूरा वीडियो है जो सुबह जगह से पूरा वीडियो बनाकर आपको जो तालाब बना हुआ है वहाँ तक का वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मैं इनको जो भी है इनको साफ कहना चाहता हूँ, हमारा पीछा ना करें, हम आपसे कुछ भी नहीं लाना नहीं चाहते, हम उनसे आपकी कोई भी दुश्मनी नहीं है, हम यहीं से आपको छोड़ के जा रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, आप हमारा पीछा नहीं करना, हम यहाँ से जा रहे हैं।